क्या आप भी अपना पैसा डबल करना चाहते हो आने वाले कुछ महीनों के अंदर? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा टाइटन। ये आप टाइटन ही समझ सकते हो क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 57.99 रुपया है, ऑलमोस्ट 58 रुपया है। तो ये एक छोटा टाइटन समझ सकते हो क्योंकि ये भी उसी कैटेगरी का कंपनी है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो इस बात पे। और इसकी रिटर्न का बात करें तो 1 साल में इसने 61% का रिटर्न दिया है। तो 5 साल की बात करें, मैक्सिमम पे मैं क्लिक कर देता हूँ कि मैक्सिमम पर इसने कितना रिटर्न दिया है। तो मैक्सिमम की बात करें तो ये 22 जुलाई 2022 में लिस्ट हुई कंपनी और अभी इसने केवल 92% का रिटर्न टोटल दिया है। तो अभी ये जल्दी रिसेंटली लिस्टेड हुआ है तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ रिटर्न है नहीं, फिर भी 92% बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है। और ये आपको अभी अपने करंट प्राइस से 17% के छूट पे मिल रहा है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने का रीज़न मैं आपको बताऊं तो आप लोग देख सकते हो जो प्रमोटर होल्डिंग है इस स्टॉक में वो 63.73% है। ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आधे से ज़्यादा कंपनी इस प्रमोटर होल्डर के पास है। तो कंपनी पक्का है कि ग्रो होगी इन फ्यूचर में। और फॉरेन इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो ऑलरेडी अपना जो है इस कंपनी में स्टॉक को खरीद रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो मार्च में 0.08% हो गया और दिसंबर में भी था 0.08%। तो इसके माने ये इंक्रीज हो रहा है। तो एक ये गुड साइन है कि आप इस स्टॉक में अपना होल्डिंग बना सकते हो। और सेल्स और प्रॉफिट की बात मैं करूँ तो आप लोग देख सकते हो जो प्रमोटर होल्डिंग है इस स्टॉक में, तो आप लोग देख सकते हो कि जो सेल्स है वो 3 साल में 58% है और 5 साल में 25% है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है। और प्रॉफिट की बात करें तो 29% एंड 48% 5 साल के अंदर प्रॉफिट भी इसका बहुत अच्छा खासा है। तो इसके माने ये कंपनी आगे चल के ग्रो होगा। और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 93% है, 3 साल में इसने 93% रिटर्न दिया है। और 5 साल की करें तो 70% है। तो आप लोग देख सकते हो। और एक साइन और आप देख सकते हो जो इसका इंडस्ट्रियल पी रेशियो है वो ज़्यादा है और इसका जो पी रेशियो जो इसका खुद का है वो 13% है। तो ये भी एक गुड साइन है। और जो इस स्टॉक का नाम है ये आप लोग इधर पढ़ सकते हो कि स्टॉक का नाम क्या है, इसे गूगल पे सर्च करके फर्दर रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये हमें लगता है आने वाले कुछ समय में अगला टाइटन बनेगा।